तो गाइस, हमने ये जो हमारा मॉडल है कृतिका, इनका हेयर कट किया हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा। अब हम इनका हेयर स्टाइल दिखा रहे हैं आपको। और जैसा कि आप सभी ने कहा था कि ब्लो ड्राई कैसे करते हैं, कैसे ब्लो ड्राई की टेक्निक होती है, किस तरह से हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो वो चीज़ मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ ही ये वीडियो मैं अलग बना रहा हूँ, तो आप लोगों को इसको बहुत सपोर्ट करना है। और कैसा लगता है या कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरह से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो कि मैं लाइव सेशन पे जब भी आऊँगा तब आप हम लोग क्लियर कर सकते हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहले जो मैंने हेयर कट किया हुआ है वो आउट कर्ल है, मतलब आउट कर्ल बोले तो उनके बाल आउटसाइड में टर्न हो रहे हैं। तो अब जो हम हेयर स्टाइल करने वाले हैं वो भी आउट कर्ल ही करने वाले हैं, क्योंकि इनका जो हेयर है वो ऑलरेडी थोड़ा सा वेवी है, तो हमें उसे उसी टाइप से शेप देना है। और आउट कर्ल करने के लिए आपको कैसे करना होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो लुक दिख रहा है ये नेचुरल वाला है। इससे पहले वाला है इसका जो वीडियो मैंने हेयर कट का डाला हुआ है उसमें आपको पता चल जाएगा, आप उसमें जा के देखोगे तो नेचुरली जो हेयर कट मैंने किया था वो नेचुरल लुक है इसका। तो स्टाइलिंग के बाद कैसा लगता है वो देखते हैं। तो गाइस, स्टाइलिंग में हमें क्या करना है, सबसे बड़ी चीज के आपको ये देखना है कि बाल कितने पतले हैं कितने मोटे हैं। अगर बाल बहुत पतले हैं तो बड़ा सेक्शन बनाना है, और बाल बहुत ज़्यादा थिक हैं मोटे हैं तो वहाँ पे आपको छोटे सेक्शन लेना है। तो फर्स्ट तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हमें ब्रश कैसे चलाना है और स्टाइलिंग कैसे करनी वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हीट ज़्यादा होनी चाहिए और प्रेशर कम होना चाहिए हवा का। तो स्टार्ट करते हैं लुक डाउन। सबसे पहले हमें, जब भी हम स्टाइलिंग करते हैं तो हमें बाउंस क्रिएट करना होता है हर हेयर में। मतलब कोई भी लुक देना है तो आपको उसमें बाउंस दिखाना ही है, अगर आप कोई स्टाइलिंग कर रहे हैं तो। और अगर आप नॉर्मल स्ट्रेट लुक में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बाउंस नहीं देना है, बट फिर भी कभी कभी होता है कि हमें रूट के पास से अच्छे से बाउंस देना होता है। तो आप जब भी स्टाइल करेंगे, ब्लो ड्राई करेंगे, तो रूट के पास से स्टार्ट करेंगे। आपको शायद समझ आ रहा होगा, एक बार वापस देख लीजिए, मैं विदाउट ड्रायर करके दिखाता हूँ। हल्का सा आपको रूट के पास लेके जाना है और उसको इस तरह से उठाना है, 1, 2 and 3। अगर आप इस तरह से करेंगे तो परफेक्टली आपका बाउंस क्रिएट हो जाएगा। अब मैं रिगल करके दिखाता हूँ। और जब आप एंड्स के पास आते हो यहाँ पर, तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि ब्रश टर्न होना चाहिए, अच्छे से घूमना चाहिए, बाल उलझने नहीं चाहिए। अगर बाल उलझ रहे हैं तो आपका ब्लो ड्राई सही नहीं हुआ है। तो आपको अच्छे से उसे टैंगल फ्री करना है ब्रश के साथ। क्लियर? तो इस तरह से आपको इस पर वर्क करना है और एकदम से ऐसे टैंगल फ्री हो जाना चाहिए। देन फिर आपने पहले इनसाइड लिया, अब आउटसाइड लेंगे। और आउटसाइड लेने के वक्त आपको थोड़ा सा पॉलिश करना होता है। पॉलिश कैसे? सी, इस तरह से आपको पॉलिश करना होता है। और इस तरह से आपको अच्छे से उसको फिनिशिंग करना होता है। देन फाइनल टच इसका क्या रहता है वो भी देख लीजिए। अगेन इसको अच्छे से ऐसे फिक्स करना है। जो भी छोटे बड़े बाल होते हैं उनको भी इसके साथ लेके जाना है। और ये मैंने आपको सिंपल टेक्निक दिखाई है, और इसमें और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो कि आगे वाले वीडियोज में हम देखते जाएंगे, बट फिलहाल के लिए आपको इससे समझना है। अगर आपको ये आ गया तो फिर आगे वाली स्टेप भी आप सीख जाएंगे।
गाइस इस तरह से ये आपका आउटर्न हो जाएगा और इसी टाइप से सारे बालों में आपको ये वाला करना है। तो अब बिना स्पीच के स्टार्ट करता हूँ। गाइज हमने सारे डन कर दिए सेक्शन। अब हमारे पास ये प्रोफाइल सेक्शन बचा हुआ है, इसको हमें कैसे करना है वो आप देख लीजिए। इसमें टू पार्ट में या थ्री पार्ट में जितना मतलब आप अच्छे से कर पाओ, जितना इजी आपको लगे।
इस तरह से आपको ये बैक साइड लेके जाना है, ना कि फ्रंट साइड लेके जाना है। अब हमें फ्रंट साइड करना है, उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना, काफ़ी बार है ना फ्रंट साइड को करने के लिए भी लोग अपसाइड ले जाते हैं, तो उसको अपसाइड नहीं लेके जाना है, इसको डाउन में लेके आना है। अगर डाउन में लाओगे तो थोड़ा सा फेस फ्रेमिंग करेगा और वो बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे, आपको जिधर भी पार्टिंग चाहिए, इस तरफ चाहिए इधर ले जाइए, साइड चाहिए साइड ले जाइए, सेंटर चाहिए तो सेंटर ले जाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। तो गाइज हमारा स्टाइलिंग पूरा डन हो चुका है और हेयर कट भी मैंने डन कर दिया है, जैसा कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा। और ये दो तरह की वीडियो बनाए हमने, इसमें हेयर कट भी बनाया है और इसमें हमने स्टाइलिंग का भी बनाया, लेकिन दोनों को डिवाइड कर दिया क्योंकि टाइमिंग ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमने दो वीडियो बनाए हैं, तो एक हेयर कट है जो कि पहले आप अभी इस वीडियो को आप देख रहे होंगे आई थिंक, और इसके बाद आने वाला है हेयर स्टाइलिंग, और हेयर स्टाइलिंग आएगा तब आप समझ सकते हैं कि हेयर कट भी आपको विजिबल हो जाएगा। तो हमारा जो हेयर कट है कैसा है, बैक साइड कैसा दिख रहा है वो मैं दिखाता हूँ, बैक साइड टर्न करना प्लीज़। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने हेयर कट किया है, जो स्टाइलिंग की, वो कैसे विजिबल हो रही है, सारे हेयर एकदम से फिनिश और आउटसाइड टर्न कर रहे हैं, थोड़ा सा अप कर लो। और अगर आप इसमें क्लचर या कोई भी स्टाइलिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इनका फ्रंट लुक कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है इनका फ्रंट लुक, और हमने सेंटर पार्टीशन रखा है, कोई भी फ्रेंचेज नहीं किया है, कोई भी फ्लिक्स कट नहीं किया है, तो इनका जो नेचुरल था उसी को हमने रखा है। तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जैसा कि आप हमेशा देते हो। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, सारी चीज़ें, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइज, थैंक यू सो मच।